ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं बिना हेलमेट लगाए। का हेलमेट नहीं लगे? दवाई ले आओ, जरूरी है, सीरियस है। अच्छा बताइए चाची, हेलमेट नहीं लगे, दिक्कत बा कि ना? दिक्कत बाटे, हम जानते हैं, लेकिन हमरा से दिक्कत, हमरा लगे हम ना रहे तो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन हमरा लइका ना रही तो हम मर जाए। ठीक बा, देखिए हेलमेट लगा के चलिए। जी जी, अपना जीवन सुरक्षा कवच लगा के ही चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए है ये जीवन सुरक्षा कवच, इसके लिए गोपालगंज पुलिस तत्परता के साथ आपके साथ है। बिना हेलमेट के चलता नहीं, आज तीज के पर्व बा, पत्नी लोग तीज रखा था, पति के लंबा उम्र खाती है, यहाँ के हेलमेट नहीं लगे। अच्छा, गलती हो गया है सर। गलती हो गई, जाए भी माफ कर दीजिए। हम माफ थोड़ा ना करें सर से, कहीं यहाँ पे इनका 1000 का फाइन कटेगा। हाँ। यही इनको सुझाव देगा, आप अपना हेलमेट खरीद लाइए और जाइए। तो अब हेलमेट नहीं खरीद के लाएंगे तो हम देखेंगे 5 मिनट, उसके बाद से चालान काट देंगे। चालान काट देंगे, काट देंगे। लेकिन चाचा हेलमेट नहीं लगाए हैं। हेलमेट छूट जाता है। अच्छा, छूट जाता है चाचा, हमरा तो नहीं बता रहे सर। हिताई से सर, हिताई से आ रहे हैं। नहीं, हिताई घर नहीं है, रास्ता में मान ली कि भगवान ना जस की कुछ हो जाए तो क्या करती सर? गलती हो गया सर, गलती हो गई सर। तो बताइए ना, चालान तो कटी 1000 के 2000 के ना, तो जाए ना, हेलमेट ले ली। बाहुबली बहुत लोग बोलवे करते हैं, बहुत लोग कहते हैं देख लेंगे। अल्लाह तला बहुत रखे, धमकी बहुत लोग देते हैं, धमकी भी मिलता है आप लोग? बहुत 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 भी आप लोग, मतलब गोपालगंज पुलिस इतने मुस्तैदी से है यहाँ पे? हम लोग डरते नहीं है, डरते नहीं है, आदेशानुसार काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलमेट नहीं लगाइएगा, गाड़ी तो धुआई नहीं है, कहीं बंद है तो कहाँ से धुलाएगा? तो हेलमेट नहीं लगाइएगा? लगाएंगे क्यों नहीं, फिर कहे नहीं लगाए? लगाएंगे लगाएंगे, देखिए कह रहे हैं कि लगाएंगे। हेलमेट का भैया बनिए नहीं, सब सुझाओगे पूरा गोपालगंज बहुत यही चित्र कर रहा है रोज। बताइए चलान कट जाओ तो क्या हो रहा है, लेकिन सुधर नहीं रहा है। चलान के छोड़ी, कहीं रास्ता में कुछ हो जाओ तो क्या करेंगे? कुछ लड़का भी ले ले बनिए, छोटा सा बच्चा। देखिए ये चाचा हैं और ये, इनके पास हेलमेट नहीं था तो सर बोले जय ना हेलमेट लाइए, फिर आपको हम छोड़ देंगे बिना चलान कटे, है ना? ये ना बात है जी सर, चलान वालान कटल जी ना। पुलिस बहुत ही अच्छा कार्य करती है, अच्छा कार्य करती है। बिना चलान काटे अगर यह सुविधा मिल रहा बा कि आप हेलमेट लाइए, खरीद के पहन के जाइए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये तो बहुत सराहनीय कार्य है प्रशासन द्वारा। कहीं ना कहीं जब स्वर्ण प्रभात जो एसपी जी बानी गोपालगंज के, वहाँ कहले के बाद गोपालगंज पुलिस काफी मुस्तैदी से अपन काम करती है। हाँ, जो जहाँ पे है पुलिस अपने मुस्तैदी से, इसमें दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। यार दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार में हम आपके साथ पंकज यादव। अभी हम लोग गोपालगंज जिले के बंजारी मोड़ पे हैं और यहाँ पे देखिएगा तो प्रशासन की तरफ से हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट की जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि जो गोपालगंज पुलिस है काफी जागरूक हो चुकी है, सोशल मीडिया हो या तो आम जनता के बीच, अब जहाँ भी देखिएगा तो लोग बिना हेलमेट के, बिना सेफ्टी के चलते हैं। देखिए ये चाचा को बिना हेलमेट लगाए भाग रहे हैं किस तरह से। क्या नाम पड़ी चाचा? क्या नाम पड़ी? क्या नाम पड़ी? नाम है, अरे बताइए ना, कहाँ है परेशान है? कोई बात हो जाता है तो देख सकते हैं। अभी तो जो है आज के दिन क्या नाम है चाचा? रखिए, हटिएगा तब है ना, डॉक्टर संदीप नाम, हटिएगा तब ना। बताइए ना सर, क्या नाम है ये? क्या नाम है सर, बताइए नाम, बताइए ना। अरे अच्छा, हेलमेट कहाँ नहीं लगाया? हेलमेट कहाँ नहीं लगाया? देखिए इस चाचा, देखिए बिना हेलमेट, देखिए गाड़ी का नंबर देखिए, और बिना हेलमेट के भाग रहे हैं और नाम बताने से भी अही चक रहे हैं, पता नहीं क्या है। देखिए देखिए ये स्कूल की गाड़ी बिना सेफ्टी काहे नहीं लगाए हैं चाचा? नहीं लगाए सर, अभी तो अभी ये काहे नहीं, अभी लड़के लिए अभी घुमाए हैं तो नहीं, काहे नहीं लगाए हैं? लगा लीजिए, लगा लीजिए, बढ़िया रहेगा। देखिए ये कहने पे लोगों की मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग भड़कते हैं, बहुत सारे लोग हैं। सर से ही बात करेंगे, सर एक सेकंड टाइम दीजिएगा हमको। गोपालगंज पुलिस की ये बहुत बड़ी पहल है कि आप लोग इतना मुस्तैदी से जांच कर रहे हैं, क्या कहिएगा लोगों को? हम लोग तो यही सजेशन दे रहे हैं कि हेलमेट लगा कर चलिए। जी जी, अपना जीवन सुरक्षा कवच लगा के ही चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए है ये जीवन सुरक्षा कवच, इसके लिए गोपालगंज पुलिस तत्परता के साथ आपके साथ है। हरिया, आपको सजेशन देने में लगे हुए हैं, हेलमेट लगा के चलिए, यही तो हम लोग का कहना है। अच्छा, जो एसपी साहब है स्वर्ण प्रभात जी, कहीं ना कहीं उनके आने से गोपालगंज में एक बहुत बड़ी बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव हो रहा है साहब से, तो बहुत बदलाव है हर चीज, हर मामला में। जो भी लोग हेलमेट नहीं लगाए उनको चलान कट जा रही है? नहीं, हेलमेट खरीदवा रहे हैं, हेलमेट खरीदवा रहे हैं। हेलमेट लाइए, चल जाइए, चल जाइए। देखिए गोपालगंज साहब का दोस्त, देखिए जो गोपालगंज के एसपी हैं स्वर्ण प्रभात जी, जो जिनका ये आदेश है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो हेलमेट लाइए और आप जाइए, नहीं तो हेलमेट पहन के आइए फिर आप जाइए। लोगों की ये अंदर ये पता नहीं क्या मानसिकता है। हाँ सर बोलिए ना। डॉक्टर उठ जाएगा, डॉक्टर उठ जाएगा? कहाँ से उठ जाएगा? हॉस्पिटल का। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं?
हम कोनवा से आ रहे हैं। कोनवा से आ रहे हैं, हेलमेट काहे नहीं लगाए थे? भूल गया के? भूल गए? लड़का साथ में है, परिवार साथ में है, हेलमेट भूल गए जो जरूरी है? वो जरूरी है, सही है, गलती है, हम गलती है। तो जाइए हेलमेटवा खरीद लीजिए, सर छोड़ देंगे। हेलमेट है, हेलमेट है, तो लगा के काहे नहीं आए? मान लीजिए भूल गए हैं, मान लीजिए कि रास्ता में कोई कुछ हो जाता तब तो आप कहते कि लोगों में दोष है? नहीं, सौ चालान काटेंगे अभी एक हजार का फिर। अब गलती नहीं होगा, गलती नहीं होगा? नहीं सर, कह रहे हैं कि अब गलती नहीं होगा, जाने दीजिए। कह रहे हैं कि गलती नहीं होगा, जाने दीजिए। यहाँ पे इनका एक हज़ार का फाइन कटेगा। हाँ। यही इनको सुझाव देंगे, आप अपना हेलमेट खरीद लाइए और जाइए। तो अब हेलमेट नहीं खरीद के लाएंगे तो हम देखेंगे पाँच मिनट, उसके बाद से चालान काट देंगे। चालान काट देंगे, काट देंगे। देखिए सर, कह रहे हैं कि अगर ये पाँच मिनट के अंदर हेलमेट नहीं लाते हैं तो इनको चालान काट दी जाएगी। देखिए ऊँचा चाचा को दिखाइए, दिखाइए ऊँचा चाचा को दिखाइए। देखिए बिना हेलमेट के भाग रहे हैं, बिना हेलमेट के लोग पता नहीं क्यों चलते हैं रोडों पे, बहुत सारे। देखिए भाई, देखिए ये सामान ले लिए हैं, बैग ले लिए हैं, लेकिन चाचा हेलमेट नहीं लगाए हैं। हेलमेट छूट जाता है? अच्छा, छूट जाता है चाचा? हमारा तो नहीं बता रहे सर, हिताई से सर। हिताई से आ रहे हैं? नहीं, हिताई गौर नहीं है। रास्ता में मान ली कि भगवान ना जस की कुछ हो जाए तो क्या करती सर? गलती हो गया सर, गलती हो गई तो बताइए ना। चलान तो कटी एक हज़ार के, दो हज़ार के ना तो जाए ना, हेलमेट ले आ ली फिर हैं, हेलमेट वो खरीदे? हेलमेट है सर। यहाँ क्या है? वाईफाई है। चाची एक बात बताएं, बिना हेलमेट के चलता नहीं? आज तीज के पर्व बा, पत्नी लोग तीज रखा था, पति के लंबा उम्र खाती है, यहाँ के हेलमेट ही नहीं लगे। अच्छा, गलती हो गया है सर। गलती हो गई जाए भी, माफ कर दीजिए। हम माफ थोड़ा ना करें सर से कहीं। देखिए लोगों की ये लापरवाही कितनी बड़ी है कि जो लोग हैं बिना हेलमेट के रोड पे बाइक लेकर दौड़ जाते हैं। दादा ये बताएं, गलत बात बात हो ना, बिना हेलमेट के लगेला रउरो हेलमेट लगाओ के चाहिए? हम नहीं का बुरा आदमी का मान ली की। देखिए ये भी देखिए, काहे नहीं लगाए अच्छा सर हेलमेट? हम गाड़ी धुलवा के आ रहे हैं। गाड़ी धुलवा के आ रहे हैं तो हेलमेट नहीं लगाइएगा? गाड़ी तो धुलवाई नहीं है कहीं, बंद है तो कहाँ से धुलाएगा? तो हेलमेट नहीं लगाइएगा? लगाएंगे क्यों नहीं, फिर काहे नहीं लगाए? लगाएंगे, लगाएंगे। देखिए कह रहे हैं कि लगाएंगे, और अच्छा सर कुछ तरह इस तरह भी लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि लगाएंगे, लग रहा है कि बाहुबली है। हाँ, बाहुबली बहुत लोग बोलवे करते हैं अपने। हाँ। बहुत लोग कहते हैं देख लेंगे। हाँ। तुला बहुत तरह के धमकी बहुत लोग देते हैं, धमकी भी मिलता है बहुत 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 भी। आप लोग मतलब गोपालगंज पुलिस इतने मुस्तैदी से है यहाँ पे? हम लोग डरते नहीं है, डरते नहीं है, आदेश अनुसार काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या नाम है सर आपका? एस आई सहेंद्र रजक। सहेंद्र रजक, रजक रजक। तो देखिए ये एस आई साहब हैं, और ये यहाँ पे मुस्तैदी से जो भी लोग हेलमेट नहीं पहने हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है, और वहाँ पे सर हैं जो चालान काट रहे हैं। दिखाइए तस्वीर में, यहाँ पे भी देखिए, देखिए बिना हेलमेट के आए हैं चाचा भैया, भाग रहे हैं। बिना हेलमेट के लोग चलते क्यों, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। क्या नाम बड़ी भैया? क्या नाम बड़ी? हेलमेट कहाँ नहीं खिले? हेलमेट वह कहाँ नहीं खिले? हेलमेट नहीं है, नहीं है, दूसरा दूसरा गाड़ी मांग के लाए हैं। दूसरा गाड़ी मांग के लाए हैं तो क्या चीज का है? इस तरह का तो नंबर नहीं रहता है। क्या सर नंबर? गोपालगंज का है तो ये क्या है, इस तरह का नंबर होता है प्लेट? क्या रजिस्ट्रेशन करा है? दूसरे का हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट वा का भैया भैया गर्द हेल बनिए? नहीं सब सुझाओगे भैया, पूरा गोपालगंज बहुत इसी तरह कर रहा है रोज। बताइए चलान कट जाओ तो क्या हो रहा है, लेकिन सुधर नहीं रहा है। चलान के छोड़ी कहीं रास्ता में कुछ हो जाओ तो क्या करेंगे? कुछ लड़का भी ले ले बनी, एक छोटा सा बच्चा ओकरो दिखा देने, हाँटा टूटल बा। बताइए हेलमेट ना लगाम तो दिक्कत नहीं हुई जी? फिर काम के पुलिस में गलती बा, पुलिस घेर लेता। पुलिस ने कहा कहते नहीं गलती बटी। देखिए ये भी हैं, ये हेलमेट नहीं लगाया है, और यही यहाँ से हम लोग गोपालगंज पुलिस की कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल है कि गोपालगंज पुलिस इतने मुस्तैदी से यहाँ पे हेलमेट जांच कर रही है। खैर आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये आप बताएगा, और जो एसपी साहब हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि वो लोग मतलब कि एक गोपालगंज जो गोपालगंज के जो एसपी हैं स्वर्ण प्रमाण जी, उनको ये एक बहुत बड़ी पहल है, वो लोग ऐसे कर रहे हैं। हेलमेट हेलमेट चाचा क्या नाम पड़ी? राजू सिंह। क्या भैया पूछे ना, हेलमेट रूम घर पर छूट गए तो नया हेलमेट लेनी है। देखिए ये चाचा हैं, और ये इनके पास हेलमेट नहीं था तो सर बोले जे ना हेलमेट लाइए फिर आपको हम छोड़ देंगे बिना चलान कटे, है ना? ये ना बात है जी सर, चलान ऑनलाइन कटल जी ना। जब बताइए पुलिस जो है अपना काम करती है बेहतर ढंग से करती है? हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए ये भाग रहे हैं,
ये भाग रहे हैं बिना हेलमेट लगाए, का हेलमेट नहीं लगे? दवाई ले आओ, जरूरी है, सीरियस दवाई ले। अच्छा बताइए चाची, हेलमेट नहीं लगे, दिक्कत बाकी ना? दिक्कत बाटे, हम जाते हैं लेकिन हमरा से दिक्कत हमरा लगे, हम ना रहे तो कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन हमर लड़का ना रही तो हम मर जाए। ठीक बा, देखिए ठीक है, देखिए इन लोगों को, ये लोग मतलब कि कोई ना कोई मजबूरी बहाना मार के लोग बच ही जाने का प्रयास करते हैं बिना हेलमेट लगाते हैं। सर भी यहाँ पे बयान ले रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा भी हो गए हैं। क्या नंबर चलता है? सरफी प्रसाद। अच्छा बताइए जी, हेलमेट पहन के नहीं क्या होगा रघु में बनी जे पेन के आवत नहीं खे, पर पुलिस बहुत ही अच्छा कार्य करती, अच्छा कार्य करती है। बिना चलान काटे अगर यह सुविधा मिल रहा है कि आप हेलमेट लाइए, खरीद के पहन के जाइए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये तो बहुत सराहनीय कार्य है प्रशासन द्वारा। कहीं ना कहीं जब स्वर्ण प्रभात जो एस पी जी बनी गोपालगंज के, वहाँ कहले के बाद गोपालगंज पुलिस काफी मुस्तैदी से अपन काम करती है। हाँ, जो जहाँ पे है पुलिस अपने मुस्तैदी से, कहीं इसमें दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल पुलिस बहुत ईमानदारी। देखिए ये भी चाचा है, हेलमेट नहीं लगाए हैं। क्या नाम बड़ी चाचा? मेरा पप्पू बैठा। अच्छा हेलमेट कहने के लगा? हेलमेट तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़ गई। बताइए चश्मा लगा ले बनी, पगड़ी बांध ले बनी, मोबाइल ले बनी, हेलमेटो बहुत पड़ जाता। देखिए लोगों को यही मन में आता है कि हेलमेट भूल पड़ गया,